तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देने वाले हैं हमारा अपार्टमेंट टूर। तो अभी दिखाएंगे कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा बड़ा सा घर, उसमें रह रहे हैं। तो क्या क्या है अंदर, तो आगे आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए देखिए अब। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जियाँ और ये सब उगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ओनर का है और हमारी रानी यहाँ खड़ी है। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर। तो जब हम अंदर जाते हैं तो पहले हमें ये खोलना है, इसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। तो आ गए हैं हम अंदर। उसके बाद हम इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे टीवी हॉल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये बड़ा सा टीवी है। इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ ये दरवाज़ा है, ये है गैराज। इसमें सारा सामान पड़ा हुआ है, बिन ज़रूरी, और ये सब अपना नहीं है, मगर कभी कभी इसमें से कुछ काम भी आ जाता है हमारे, हमारी साइकिल को ठीक करने के लिए, तो बिन ज़रूरी भी नहीं है। तो वहाँ यहाँ से हम जाएंगे तो हम यहाँ पे आ सकते हैं टीवी हॉल में से। ये डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। और यहाँ जाएंगे तो ये हम आ जाते हैं, यहाँ से सीधा भी आ सकते हैं, टीवी हॉल में से भी आ सकते हैं। तो यहाँ से सीधा आएंगे तो सीधा हम यहाँ आ जाएंगे किचन में। तो किचन में यहाँ पे माइक्रोवेव है, यहाँ पे हम सब्जी पका सकते हैं। और ये सब हमारे बर्तन और ये हमारी चाय और मसाले सब पड़ा हुआ है। तो ये है किचन, देख सकते हैं। ये बॉटल हमारी नहीं है। और ये फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, दूसरा सब हमारा नहीं है। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ एक टॉयलेट है, ये एक बाथटब है, और यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया है, ये यहाँ पे हम अपने कपड़े धो सकते हैं। उसके बाद ये बड़ा सा पूल टेबल था, मगर अभी ये रिनोवेशन चल रहा है इस पूल टेबल का, तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। 2 दिन पहले यहाँ पे सब कुछ था, मगर अभी रिनोवेशन हो रहा है। और यहाँ से हम आ जाते हैं पीछे के एरिया में। तो पीछे ऐसा है, ये बालकनी टाइप है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा सा हमारा स्टोव भी है। और यहाँ पीछे भी खेत जैसा है, यहाँ पे सब कुछ उगाया हुआ है हमारे ओनर ने। तो उसने बोला है कि आपको जो चाहिए ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो। हम नीचे आ गए तो नीचे भी ये ऐसा सब कुछ उगाया हुआ है। वो वहाँ पे गैस की बोतल दिख रही होगी आपको, इस तरफ ऐसा सब कुछ है। तो 2-3 दिन में जब हम फ्री होते हैं तो यहाँ पे पानी डाल देते हैं तो ये सब सूख ना जाए। वहाँ पे केले है, ये सब केले भी आते हैं यहाँ पे, और ये सब अलग अलग चीज़ें। ये हमारी हमारा गन्ना है, देख रहे हैं आप, ये देखिए गन्ने भी उगे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ का एक फल है, क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, मगर ये बहुत बड़ा होता है और वो अच्छा भी लगता है। हमने टेस्ट नहीं किया, ओनर बता रहा था। तो ये पीछे का एरिया है और यहाँ पे एलोवेरा भी उगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये है हमारे पीछे का एरिया, पीछे सब कबाड़ भी पड़ा हुआ है। तो ये सब है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे केले भी आए हुए हैं, मगर अभी वो कच्चे हैं, पक जाएंगे तो फिर खाएंगे। तो ये पीछे का एरिया है। तो चलिए अभी चलते हैं वापस ऊपर, उसके बाद हम आपको हमारा रूम और ये सब दिखाएंगे। और हम कपड़े यहाँ पे ऐसे सुखा देते हैं बाहर। तो यहाँ से सीधा चले जाएंगे। ये सब शूज पड़े हैं हमारे, तो सिर्फ ये दो है, ये सब ओनर के हैं।
और ये भी एक छोटा सा स्टोर रूम है, यहाँ पे भी सब कुछ पड़ा रहता है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद ये है हम, ये हमारे ओनर का रूम है। और इस तरफ आ जाते हैं तो इस तरफ ये हम हैं, और इस दरवाजे पे टॉयलेट है, तो टॉयलेट को बंद कर देंगे। और इस तरफ आएंगे तो ये सब कबाड़ पड़ा है, इससे हमें मतलब नहीं। यहाँ पे शावर है, तो यहाँ पे हम शावर ले सकते हैं। और ये वॉश बेसिन और ये सब है। उसके बाद चले जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये छोटा सा हॉल जैसा है, यहाँ पे हम बैठते हैं, टाइम पास करते हैं अगर फ्री हो तो। और ये वैक्यूम क्लीनर है, कभी कभी 2-3 दिन में एक बार मार लेते हैं। और ये सब ओनर का है, हमें पता नहीं ये सब कौन है, उसने सजाया हुआ है। और ये हमारा कमरा है, तो हमारा कमरा ऐसा है, ये सब हमारा पड़ा हुआ है। और ये हमें एक पंखा मिला है, ये हमारा लैपटॉप है, और यहाँ पे दादा को हमने बिठाया हुआ है। और ये सब चीज़ें पड़ी हुई है, उसको नज़रअंदाज कीजिए। नीचे स्पीकर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो है, तो ये हमारा बेड है। उसके बाद इस तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बड़ा सा मिरर। ये मिरर है, उसके पीछे हमारी चीज़ें पड़ी हुई है, ये हमारे थोड़ा सामान है, और ये हमारी बैग। तो इस तरफ ऐसा है, और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ ये हमारा कैमरा है, ये स्टव है, हमारी कैप्स है थोड़ी, और ये सब हमारा सामान। और ये सब ओनर ने दिया हुआ है, कंबल और कुशन सब कुछ दिया हुआ है इसने, मगर हम तो हमारा ही यूज करते हैं। तो ये थी अपार्टमेंट टूर। तो देखिए हमारा रूम ऐसा है, और ये छोटा सा हॉल है, तो यही है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं, तो इसमें रहते हैं हम। तो कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इतना बड़ा घर है तो क्या रेंट है और वो सब, तो वो भी बता दिया जाता है कि हम एक वीक का $200 पे करते हैं, 200। तो अभी चलता है क्योंकि वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, ये सब इंक्लूडेड है। हम सिर्फ 200 रुपये दे और फिर हम ख़त्म, हमें और कुछ नहीं देना है, वाटर बिल या कुछ भी। तो इसीलिए अच्छा है, हमारा प्राइवेट रूम है और बढ़िया घर है। और अभी हम सिटी के सेंटर में ही रहते हैं, तो यहाँ से सब कुछ हमें नज़दीक में पड़ जाता है। हमारा वो पेट्रोल पंप है, वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और हमारी यूनिवर्सिटी 4 किलोमीटर दूर है। तो चलता है ₹200 नहीं, डॉलर, हाँ $200 चलता है वीक का, तो दे देते हैं। और ओनर भी अच्छा है, वो बोलता है जब भी पैसे हो तब दो, ऐसा कोई है नहीं कि भाई तेरा टाइम हो गया, मेरे को रेंट चाहिए ही चाहिए। तो ओनर भी अच्छा है। अभी मैंने हमारा सामान तो निकाला नहीं है, ओनर का ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, बर्तन और वो सब। तो बोलता है चलता है, क्योंकि ये 6 BHK घर है, मगर इसमें हम सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। तो आप सोच ही लीजिए कि 2 लोग में कितना चाहिए, तो इसीलिए सब चलता है यहाँ पे। तो यही है हमारा अपार्टमेंट, तो आज के लिए इतना ही, ये हमारी अपार्टमेंट टूर थी। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, टड़ा।